मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है मोनिका चंद्रावत और मैं कक्षा 5 को पर्यावरण पढ़ा रही हूँ। बुक खोलिए, पार्ट 1। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? एक बच्चा बोल रहा है, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तुम स्कूल के मैदान पर बैठ के खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारा खाना छीन के उड़ गई है। एक लड़का बोल रहा है कि अगर कहीं आप स्कूल के मैदान पर बैठकर खाना खा रहे हैं और अचानक आकाश में तेजी से चील उड़ती हुई आई और क्या करा उसने, आपके हाथ से भोजन फुर्ती से छीन के भाग गई, ऐसा हुआ है कभी? फिर दूसरा बोलता है, तुम एक सोते हुए कुत्ते के पास से गुजरो। मतलब वो दूसरा बोल रहा है, अगर कोई कुत्ता सो रहा है आप उसके पास से गुजरो। वो झट झट से उसके कान कैसे होंगे कुत्ते के, खड़े हो जाते। अगर आप देखना, कोई कुत्ता सो रहा है, आंखें बंद करके सो रहा है और आप उसके पास से गुजरोगे तो कुत्ते के क्या होंगे, कान खड़े हो जाएंगे। खाते समय कुछ मीठा जमीन पर गिर जाए और कुछ ही पल में आप वहां देखते हो कि चींटियों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। अगर आप आपके घर में कुछ मीठी चीज खा रहे हो, जैसे शक्कर या कुछ भी, जमीन में आपके हाथ से गिर चुका है, कुछ ही देर में आप देखिए कि वहां पर क्या होता है, बहुत सारी क्या इकट्ठी हो जाती है, चींटियां इकट्ठी हो जाएगी। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। जैसे जानवर, जैसे अपन में कैसे होती है, अपन सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे जानवरों में भी सुनने की, सूंघने की ये क्या होती है, शक्ति होती है। कई जानवर मिलजुल कर एक साथ शिकार करते हैं, जैसे कोई सब जानवर क्या होते हैं, मिलजुल कर एक साथ शिकार करते हैं। कई हल्की हल्की सी आहट पर भी उनके कान, जैसे कुत्ता रहता है, जरा सी हल्की सी भी आहट होती है तो उसके कान क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। कोई जानवर को क्या होती है, सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है ना। और चील, जैसे चील रहती है वो कितनी ऊंचाई आकाश में उड़ती है पर उसकी निगाह कितनी तेज होती है, वो जमीन पे कुछ जानवर भी मारा पड़ा हुआ है तो वो देख सकती है। पेज पलटाइए, कैसे पहचान साथियों को, कैसे पहचाने साथियों को, है ना। एक चींटी अपने रास्ते जा रही थी, एक चींटी थी वो क्या कर रही थी, अपने रास्ते जा रही थी। अचानक उसके सामने दूसरी टोली की चींटियों को आते हुए देखा। उसने अचानक क्या देखा, एक चींटी अकेली जा रही थी, उसने अचानक देखा कि दूसरी चींटियों की टोली आ रही है। वो झट से अपने बिल की ओर भागी, क्या करा वो, अपने बिल की ओर भागी, बिल की ओर भागी। दूसरी चींटियों की टोली को देख के वो अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी। बिल के बाहर फेरा देते हुए चींटियों ने उसे पहचान लिया। जो एक बिल के बाहर जो एक चींटी पहरा दे रही थी, उस चींटी ने जो दौड़ के आई चींटी उसको क्या करा, पहचान लिया। कैसे पहचाना, वो उनको अपनी उनकी गंध रहती है, उसके द्वारा उसने उस चींटी को पहचान लिया। बहुत साल पहले वैज्ञानिकों ने इस तरह के कई प्रयोग किए थे, कि वो इनके नतीजे, वो चींटियों के नतीजे पे पहुँचे, चींटी नतीजों पे पहुँचे। चींटी चलते समय जमीन पे कुछ ऐसा छोड़ती है जिससे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिलता है। जब चींटियाँ, एक आपने देखा होगा एक चींटी जा रही है, उसके पीछे पीछे कितने सारे लाइन से चींटियाँ आ जाती हैं, आती है कि नहीं, सब लाइन से आती है। तो जो एक जो चींटी रहती है ना, वो जाते समय क्या करती है, कुछ अपनी गंध उस जमीन पर छोड़ देती है, उसके कारण उसके पीछे पीछे क्या होती है, दूसरी चींटियाँ भी आने लगती है। क्या आप बता सकते हो, जब तुम पेंसिल से चींटी को रास्ते रोक देते हो तो वो उनका व्यवहार कैसा दिखता है? अगर आप किसी भी चींटियों की लाइन जा रही है तो उसको आप पेंसिल या किसी से भी आप उनको उनकी लाइन तोड़ देते तो क्या होता, आप प्रयोग करके देखिएगा। कि तुम जानते हो, कभी किसी कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? आपने कुत्ते को देखा होगा, वो जैसे कहीं जमीन पे इधर सूंघ रहा है उधर सूंघ रहा है, वो अपनी क्या करता है, सोचो क्यों, वो क्यों सूंघता है। सड़क पर कुत्ते को भी अपनी जगह जहाँ वो बैठता है कुत्ता एक, वो जहाँ अपना मूत्र मल मूत्र करता है उनकी जगह भी फिक्स होती है, जहाँ वो करता है ना वो उस जगह को सूंघता है और वहीं जाके क्या करता है, वो करता है।
काम है, जाना पड़ा। आज रजनी को क्या करना पड़ा, जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। अपनी 6 महीने की बेटी को दीपा के पास छोड़कर वह अपनी बहन सुशीला के घर पास छोड़ गई, जो उसकी उसका बेटा था ना, उसको अपनी बहन के पास छोड़ के चली गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी छोटी थी, जो उसकी बहन है ना, उसकी बेटी भी क्या थी, इतनी ही छोटी थी। दोनों बच्चों को एक ही साथ पोटी हुई, दोनों बच्चों ने क्या करा, एक ही साथ पोटी करी। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद वह दीपक की पोटी साफ करने लगी तो फटफट उसके मुंह और नाक उसने क्या करा, दुपट्टे से ढक लिया। जब उसने अपनी बेटी की पोटी साफ करी तो खुश नहीं हुआ, जब उसने अपनी बहन की लड़की की पोटी साफ करी तो उसको क्या हुई, बदबू आई। सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक को पोटी साफ करते समय मुंह क्यों ढक लिया, ऐसा क्यों हुआ, आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? जब तुम कूड़े करकट के पास से गुजरते हो तो उसकी गंध तुम्हें कैसी लगती है, मतलब गंदी बदबू आती है ना, तो आप लोग क्या करते हो, अपना मुंह ढक लेते हो, बंद कर लेते हो, है ना। ज्यादातर पक्षियों की आंखों उनकी ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर से दोनों तरफ होती है, जैसे ये आप उनकी आंखें ना, सिर के इधर इधर होती है। पक्षियों को एक समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डालते हैं, एक चीज पर नजर डालते हैं, जब बल्कि सामने दिखती हुई एक आंख से वो एक चीज ही देखते हैं। पेज पलटी है, स्कूल में कोई शैतान आप देख रहे हो। थैंक यू।